लंबी छुट्टी के बाद जीतन राम मांझी एक बार फिर से मुखर हो गए हैं। मीडिया ने जब उनसे कई सवाल किए तो सवालों का जवाब बड़ी सहजता से देते हुए जीतन राम मांझी ने हर सवाल का जवाब दिया और यहाँ तक कह दिया कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मीडिया की उपज है, लेकिन इन सब के बीच में उन्होंने साफ तौर पर एक बार फिर से नीतीश कुमार से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी में आस्था जताई। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वो जहां रहते हैं वहां बड़ी मजबूती के साथ रहते हैं और वो एनडीए के हिस्सा हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले जीतन राम मांझी ने कहा था कि एनडीए में रह करके उन्हें एनडीए जैसा नहीं लगता, वो उन्हें लगता है कि वो एनडीए में बिल्कुल उपेक्षित हैं क्योंकि एनडीए में उनकी बातें कम सुनी जाती है। कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं है जिसको लेकर के भी जीतन राम मांझी ने कई बातें कही थी। उसके बाद से उनको दिल्ली से बुलावा आया था, लेकिन एक बार फिर से जब नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री मटेरियल वाली चर्चा जोर पर चल रही है तो उस बीच में कहीं ना कहीं इतना तो तय है कि जीतन राम मांझी ने जो बातें शुरू की हैं वो बातें अब आगे तक जाएंगी। उन्होंने एक बार फिर से मीडिया के सामने ये बात कही है कि वो हर तरह से तैयार हैं, चाहे जिस परिस्थिति में भी हो। जब उनसे मुकेश सहनी से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा गया तो उस सवाल का जवाब उन्होंने सीधे तौर पर टाल दिया जो कि पहले बोला करते थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि जीतन राम मांझी जब दिल्ली से आए हैं तो बहुत ही संयमित होकर के अपनी बातें रखना चाह रहे हैं। शायद भारतीय जनता पार्टी का निर्देश इसी तरह का है और वेट एंड वॉच की स्थिति में यदि आप हैं तो आपको अंदाज़ा लगना चाहिए कि नीतीश कुमार भले ही भारतीय जनता पार्टी के आगे अन्य राज्यों में पार्टनर बने या न बने, लेकिन जीतन राम मांझी को ऐसा लगता है कि ऑफर मिल गया है जिसके कारण जीतन राम मांझी चुप्पी साधे हुए हैं। सुनिए जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से बहुत सारे राज खोले हैं, क्या क्या राज खोला है, क्या कुछ कहा है और मीडिया के बारे में भी क्या कहा है, वो सारी चीज़ें आपके सामने खुल करके आ जाएंगी। आप वीडियो देखिए। आचार समिति को, अनुशासन समिति को विषय दे दिया गया है तो उसका रिपोर्ट आने तक प्रतीक्षा करना चाहिए, एक बात। और दूसरी बात ये है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती है, दोनों हाथ से ताली बजती है, तो ये देखा जा सकता है कि कहाँ से क्या गलती है, तो वो भी फुटेज लग रहा है। तो यही बात कही गई और घटना तो अच्छी नहीं थी, ये बात सही है। और जहाँ तक कार्रवाई की बात है तो जहाँ तक के सूचना आई है कुछ कार्रवाई हो भी चुकी है और वो जो निष्कर्ष आएगा आचरण समिति का उसके बाद सारा लगता है कि डर भी लग रहा है विधायकों को कि कहीं हम पे भी कार्रवाई हो जाए। अब डर रहा है, क्या कर रहा है ये तो हम नहीं जानते हैं। अब हेलमेट तो 100 पीस है, 100 कर रहे हैं। अच्छा, मुकेश सहनी को डर लग रहा है कि उनकी पार्टी को कोई छोड़ रहा है पर्दे के पीछे से, वो कह रहे हैं। अबे उनकी बात है, इसको हम नहीं कर सकते। उनकी बात आपको लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। क्या कयास लगाए जा रहे हैं? कभी कहा जाता है कि आप महागठबंधन में जा रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि आप सुबह कुछ कर रहे हैं, शाम को कुछ कर रहे हैं। ये सब आप लोगों की बात है, हम पक्का हैं जहाँ रहते हैं वहाँ ठीक से रहते हैं, लेकिन मीडिया के साथी लोग बहुत मेहरबान हमारे पर होते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। वो ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।